गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए सीरतुन्नबी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के तुलबाओ तालिबात को डॉक्टर असगर चुलबुल ने आज इनामत और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर असगर चुलबुल पिछले 3 साल से सीरतुन्नबी इस्लामिक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इस साल इस कॉम्पिटिशन में मुख्तलिफ स्कूल और मदरसों से 2000 के करीब तुलबाओ तालिबात ने हिस्सा लिया। मुगल फंक्शन हॉल में डॉक्टर असगर चुलबुल जलसा ऑर्गेनाइज कर तमाम तुलबाओ तालिबात को इनामत और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, पर वक्त की कमी के चलते कुछ तुलबाओ तालिबात को इनाम और सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। डॉक्टर असगर चुलबुल उन तमाम तुलबाओ तालिबात के स्कूल को विजिट कर इनामत और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन, ओपन बेड, एसी एंड नॉन एसी लॉज, वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी, सेपरेट लॉकर, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर, डिलक्स स्टे एंड मच मोर। एड्रेस सुपर मार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। मैं तहे दिल से कर्मकम करता हूँ आप सभी लोगों का, मेहमानों का, यहाँ तक अक्सर भी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। मैं उनकी गहराइयों से वेलकम करता हूँ। हमारा जो ये तहरीक है, हमारा जो मूवमेंट है, तो किस तरीके से बच्चों में एक शौक पैदा हो, और आप देख रहे हैं कि नया जो ये ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और नए नए चीज़ें यहाँ पर ईजाद हो रही हैं। तो इन हालात में हमारा जो मकसद है, हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में किस लिए भेजा, उम्मत मुसलमान की क्या अहमियत है, हम मुसलमान कैसे समझ, क्या जिम्मेदारी, इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को समझने की जरूरत है। यही हमारा मकसद है कि बच्चों को जब ये बात समझ में आ जाए कि कुरान है और हम जो मुसलमान हैं, हम किस लिए भेजा गया है, कि ये जब बचपन में भी आप जब सीखेंगे तो यकीन मानिए कि आप आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा। आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आपके रिश्ते में भी कामयाबी मिलेगी। बहरहाल हमारा मकसद जो चल रहा है पिछले 4 साल से, हम उलमा इकराम की रोशनी में हमारे जैसे साहब में मौजूद हैं, मौलाना शफीक साहब लोग होना सीखे थे, या मेरी कोशिश है और भी हमारे उलमा इकराम हैं, उसको मिल करके हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को दिन से खरीद लें, बच्चों को कुरान पढ़ने का सही तरीका, अहादीसों को याद दिलाना और साथ साथ दुआओं का इस्तेमाल, और इसी तरीके से बहुत सारी मसनून दुआएँ वगैरह हैं, तो मुस्तकिल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार ख़ास तौर पर डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने ये फिक्र ली और कहा कि आज स्कूलों में नाच गाना बजाना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें स्कूलों में चलते हैं, इसका किसी ना किसी तरीके से खात्मा किया जाए, यानी इसको ख़त्म करके हम साल में एक दफ़ा ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिस प्रोग्राम के जरिए से हमारे बच्चों के अंदर, उनके माँ बाप के अंदर और पढ़ाने वाले स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके अंदर ये ज़ौक और ये शौक पैदा हो जाए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते में इस्लामी जो कवानीन हैं और कवानीन के साथ साथ हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। आज इस प्रोग्राम के मौके पर सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उन तमाम तलबा को जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आगे बढ़े और इन दिन हासिल करने की कोशिश करें, और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं स्कूल के असातिज़ा इकराम को जो उनकी कोशिश में लगे रहे, उनके लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर उन तलबा को दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए आगे बढ़ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूं। मैं आज यहां पर जनाब असगर चुलबुल साहब जो एक्स जीडीए चेयरमैन हैं, और जनाब गौस मौलाना साहब, और जनाब हाफिज़ आसिम जयान साहब, और हमारे स्कूल के मौलाना मुबीन मौलवी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, और असगर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि वो एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाए हैं जहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम में बच्चों को आगे आने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। मैं जनाब असगर साहब का दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। इस मुहिम के तहत उन्होंने जो हज कमेटी में मुखावला जात का इंतज़ाम किया था, उसमें उन्होंने सीरत, नात, क्विज़, अरबी के बहुत सारे मुखावला जात रहे जहां पे बच्चों के जहनी
बच्चों में अरबी के ताल्लुक से हमारे दीनी तालीम मालूमात हासिल होने के लिए जिन्होंने मुखबला जात का इंतज़ाम किया है वो बहुत ही कामयाब हुआ है, सक्सेस हुआ है और उन्होंने कई कैश प्राइजेस भी दिए हैं। और इसमें हमारे न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के 25 स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया था और तमाम बच्चों ने अच्छे से अच्छे कारहनुमा अंजाम दिए हैं, बच्चों को अच्छे से इनाम दिए हैं, उनके हौसला अफजाई किए हैं। मैं तमाम लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और हमारे स्कूल के अरबिक टीचर मुबीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इसमें आगे आने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। शुक्रिया।